सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका। मानहानि मामले में 2 साल जेल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका की खारिज। यूके जा रही थी अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर, एयरपोर्ट पर ही रोका। बॉलीवुड एक्टर राखी सावंत को ईमेल के जरिए मिली धमकी, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप पर धमकी देने के आरोप। पंचकुला में प्रदेश व्यापी अभियान की शुरुआत, इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने वकीलों से की मुलाकात। अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को दिया नया नारा, जिस किसी से भी मिले उसको राम राम के साथ कहो परिवर्तन करो परिवर्तन करो। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला ने किया मंडी का दौरा, किसानों से मुलाकात कर बोले, चौधरी देवीलाल का पोता किसानों को नहीं होने देगा परेशान, 3 दिनों में हो जाएगा गेहूं उठान। गुहाना में डीसी ने किया अनाज मंडी का दौरा, मंडी अधिकारियों और आढ़तियों से मुलाकात का लिफ्टिंग का टेंडर किया जारी। करनाल में बरसात के बाद मंडी की व्यवस्था चरमराई, पानी की निकासी न होने से भीगी गेहूं की बोरियां। सिरसा डीसी पार्थ गुप्ता ने अनाज मंडी का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए गेहूं उठान में तेजी के निर्देश। किसानों पर बेमौसमी बरसात की मार, अंबाला में अनाज मंडी में रखी गेहूं भीगकर हुई खराब। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का बयान चर्चाओं में, बोली ओयो में लड़कियां हनुमान की आरती करने नहीं जाती, कैथल के कॉलेज में लड़कियों को कर रही थी जागरूक। कैथल में टावर पर चढ़कर शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा, दूसरी बार नशा करके किया ड्रामा, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, पंचकुला के हुक्का बार में छापा मारकर 4 को किया गिरफ्तार, हर्बल हुक्के की आड़ में परोसा जा रहा था निकोटीन। फरीदाबाद में 5 महीने के बच्चे का बना इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, लोगों को जागरूक करने के लिए परिवार ने बनवाए 14 सरकारी दस्तावेज। गुहाना की रहने वाली सोना मलिक ने उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में चमकाया नाम, 62 किलो भार में जीता ब्रॉन्ज। एनडीए टॉपर अनुराग सांगवान का दादरी के गांव चंदेनी में पहुंचने पर जोरदार स्वागत, सम्मान समारोह में पहुंचे भारी संख्या में लोग। गुरुग्राम में गैंगस्टर्स के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने एक के साथ दी 19 जगह दबिश, नामी गैंगस्टर्स और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ की रेड। मॉडर्न होंगे देश के रेलवे स्टेशन, करोड़ों रुपए खर्च कर बदलेगी सूरत, भिवानी स्टेशन खर्च होंगे 5 करोड़ रुपए। टोहाना में बेखौफ चोरों का आतंक, सीसीटीवी में हुआ कैद, बंद घर से चुरा ले गए लाखों के जेवरात। पंचकुला में नवनिर्मित लोहे का शेड गिरने से हुआ हादसा, 2 लोगों की गई जान, करीब आधा दर्जन लोग कर रहे थे शेड के नीचे काम। कैथल एसपी कार्यालय में पूछताछ के लिए पहुंचे शख्स को आया हार्ट अटैक, कबूतरबाजी के मामले में एसपी को दिखा रहा था वीडियो, अस्पताल लेकर पहुंचे हुई मौत। क्षेत्र में ऑपरेशन प्रहार के बाद तलाशी अभियान, जेल के कोने कोने को पुलिस ने छाना, जेल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी रहे मौजूद। फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग ने कृषि विभाग के साथ मिलकर बिना लाइसेंस के चल रही पेस्टिसाइड की दुकान पर की छापेमारी, दुकानदार पर सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने के लगे आरोप। हिसार में दुकानदार के गले से चेन स्नैचर ने चेन झपटी, बुजुर्ग ने किया पीछा, आरोपी हुआ फरार। सोनीपत में तेज आंधी में टूटा बिजली का तार, किसान की 3 एकड़ फसल हुई जलकर खाक।
सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका।